भंडारा येथे राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, गृहमंत्री व गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी जिल्ह्यात कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाबाबत संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांशी जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा येथे कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत आरोग्य मंत्र्यांनी भंडारा येथे RT-PCR मशीन त्वरित उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले. ऑक्सिजन टँक चे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे, रेमडेसिवीर इंजेक्शनाचा तुटवडा पडू नये याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. तुमसर, पवनी, लाखांदूर, साकोली येथे कोविड सेंटर सुरू करण्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मंजुरीचे आदेश दिले आहे. शासकीय रुग्णालयात बेडची संख्या वाढवणे आणि खासगी रुग्णालयात कोविड सेंटरच्या मंजुरी बाबत चर्चा करण्यात आली. खासदार प्रफुल्ल पटेल, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ऑक्सिजनचा काळाबाजार व फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाकडून मंत्री महोदयांना निवेदन देण्यात आले. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता नागरिकांना सुद्धा आवश्यक ती काळजी घ्यावी अशा सूचना देण्यात आल्या. संचालक अर्चना पाटील, जिल्हा शल्य चिकित्सक खंडाते, जिल्हा आरोग्य अधिकारी माथुरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी, आमदार राजू कारेमोरे, माजी आमदार राजेंद्र जैन, माजी खासदार मधुकर कुकडे, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, नाना पंचबुधे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेब यांनी सुद्धा 250 ताबडतोबीनं इथे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. पण ठीक आहे, हा जरी विषय असला तरी प्रायव्हेटला रेमडेसिवीर उपलब्ध होईल ही व्यवस्था आहे. आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जे गरीब रुग्ण राहतील, ज्यांना गरीबाची व्याख्या आम्ही केली वगैरे, तर त्या लोकांना रेमडेसिवीर गव्हर्नमेंटच्या फ्री देण्याची व्यवस्था जाते. दोन तीन दिन जाते नागपूर जाते, मुझे लगता है दिस इज नॉट फेयर और ये साइंटिफिकली भी बराबर नहीं है. इसलिए हम यहाँ पर आज ट्रू नेट की इमरजेंसी बोल के उद्घाटन किया है. ट्रू नेट के माध्यम से 50 केसेस का डिटेक्शन यहाँ पर हो सकता है टेस्ट का. और खास तौर पर जो 1000 पर डे का जो कैपेसिटी का जो RT-PCR है, उसकी मंजूरात हम इमीजिएटली आज के आज देंगे. कलेक्टर को हमने निर्देश दिया गया है कि आज से इमीजिएटली उन्होंने काम शुरू करना चाहिए और विद इन अ वीक ये RT-PCR लैब फंक्शनिंग होनी चाहिए, ऐसा हमने उनको सूचित किया है. खासतौर पर यहाँ पर जो डॉक्टर्स, नर्सेस और जो भी MPW और वार्ड बॉयज है, उनकी सभी जगह इमीजिएटली कलेक्टर में भरने की अनुमति दी गई है. उनको एक्चुअली अथॉरिटी है और उन्होंने वो इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने यूज करके 100% केसेस भरना चाहिए. रेमडेसिवीर जो है वो यहाँ पर तो उपलब्ध है, बेड्स उपलब्ध है, ऐसी कोई कमी नहीं है आज. लेकिन आगे बढ़ने वाले तो केसेस है, क्योंकि यहाँ पर डबलिंग रेट 15 डेज में डबल हो रही है संख्या. तो इसको हम आने फोरकास्ट करते हुए या एंटिसिपेट अगर करेंगे कि आने वाले महीने में कितने बढ़ेंगे, क्योंकि दिवाली है, त्योहार है, और इसमें अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमारे पास बेड्स की संख्या भी होनी चाहिए और मुझे लगता है ड्रग्स भी उपलब्ध होना चाहिए, इंजेक्शन उपलब्ध होना चाहिए, डॉक्टर्स उपलब्ध होना चाहिए. तो उसका जो ब्यौरा है हम अभी मीटिंग में लेंगे और जो भी जरूरत है वो पूरी की जाएगी, कोई कमी भंडारा में नहीं रहेगी, इतना मैं गारंटी से सर देखिए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई FDI की तरफ से होनी चाहिए. ऐसे निर्देश FDI मिनिस्टर ने भी दिया है और हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे. प्रवीण भोंदे, विदर्भ न्यूज, भंडारा.